हाय दोस्तों, नमस्ते। तो देखिए, आज मैं फिर आई हूँ एक सिंपल सा भुजिया लेकर। तो मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक बड़ा बैंगन ले लिया है, उसको मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पलंग लिया है, उसको भी मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। मैंने यहाँ पे 4 बड़े बड़े आलू लिए हैं, उसको भी मैंने अच्छे से काट कर धो लिया है। मैंने यहाँ पे 4-5 हरी मिर्च लिया है, उसको भी मैंने काट लिया है। और मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच हल्दी और ये कश्मीरी मिर्च पाउडर है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अब बनाने के लिए हम सरसों तेल लेंगे। तो हमने एक चम्मच तेल डाल दिया गरम करने के लिए। तेल को अच्छा से गरम करेंगे। तो हमारा तेल गरम हो चुका है और उसमें हम थोड़ा सा पचफोरन डाल देंगे। पचफोरन डाल कर अच्छे से हम पचफोरन को अच्छा से देंगे। तो हमारा पचफोरन देखिए अच्छा से ये हो गया, फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम कटा हुआ आलू डाल देंगे, कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे हम। आलू और कटी हुई हरी मिर्च को डालकर अच्छे से 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर हम भूनेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा 3-4 मिनट हो चुका है हाई फ्लेम में, हमें आलू को अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम बैंगन डाल देंगे। बैंगन डाल के और नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर हम डाल देंगे। फिर रखेंगे, लो फ्लेम नहीं करेंगे और अच्छे से इसे चला लेंगे। इसे भी बैगन को भी 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर हम भूनेंगे। तो हमने देखिए बैगन को भी 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर हमने भून चुके हैं। अब इसमें हम कटा हुआ पालक डाल देंगे। पालक डाल के भी अच्छे से हम बैगन को पालक में मिला लेंगे, आलू बैगन को। अब लो टू मीडियम में ढक्कन लगा के इसे 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम में हम छोड़ देंगे। तो दोस्तों, हमने 10 मिनट लो टू मीडियम में रखा था, देख रहे हैं मेरा भुजिया रेडी है कि नहीं। मैंने एक दो बार चलाया भी है। तो देखिए दोस्तों, हमारा भुजिया अच्छा से बन चुका है, बैगन, आलू और ये पालंग का। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, इसे सब कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरा भुजिया बनकर रेडी है, मैंने सब भी कर लिया है। अभी से रोटी दाल चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज से देख रहे तो उसको फॉलो करिएगा और शेयर करिएगा। मेरा रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।